यूक्रेन के पश्चिम और उसके नेटो सहयोगियों ने उसे सैन्य हथियार तो दिए, लेकिन एयर डिफेंस यानी हवाई सुरक्षा के मामले में यूक्रेन अभी भी बहुत कमजोर है। इसी कमी के चलते यूक्रेन पर्याप्त हथियार होने के बाद भी मजबूती से रूस का मुकाबला नहीं कर पाता। अभी ऐसा कुछ दिख भी नहीं रहा है कि जल्द ही यूक्रेन एयर डिफेंस के मामले में भी मजबूत होगा, क्योंकि यूक्रेन के जो नेटो सहयोगी हैं, उनके पास खुद अपनी पूर्वी सीमा की सुरक्षा के लिए 5% ही एयर डिफेंस बचे हैं। इससे एक बात और सामने आई कि एयर डिफेंस से जुड़े उपकरण बनाने में नेटो राज्यों की स्पीड बहुत धीमी है। नेटो को जब आंतरिक आकलन से पता चला कि उनके पास अपनी पूर्वी सीमाओं की रक्षा के लिए एयर डिफेंस क्षमताओं की काफी कमी है, तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए नेटो राज्यों के विदेश मंत्री इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए प्राग में मिलने वाले हैं। इधर यूक्रेन ने भी मजबूत एयर डिफेंस की जरूरत बताई। उसने अपने शहरों, सैनिकों और ऊर्जा इंफ्रास्ट्रक्चर को रूसी सेना के हमलों से बचाने के लिए पश्चिमी सहयोगियों से और अधिक एयर डिफेंस सिस्टम और रॉकेट की मांग की है। नेटो के एक वरिष्ठ राजनयिक ने भी वर्तमान क्षमता को अपर्याप्त बताते हुए पूर्वी यूरोप को हमलों से बचाने में एयर डिफेंस के महत्व पर जोर दिया। एयर डिफेंस को बढ़ाने की जरूरत इसलिए भी महसूस की जा रही है क्योंकि आने वाले कुछ समय में रूस के पास नेटो के सदस्य देश पर हमला करने की क्षमता हो सकती है। हालांकि नेटो राज्य भी एयर डिफेंस मजबूत करने के प्रयास में लगे हैं। इनमें से एक जर्मनी का स्काई शील्ड पहल है। इसमें एक दर्जन से अधिक यूरोपीय संघ के देश शामिल हैं। इसका उद्देश्य अमेरिका और इसराइल की तकनीक का इस्तेमाल करके एक साझा एयर डिफेंस सिस्टम विकसित करना है। हालांकि फ्रांस इस पहल से सहमत नहीं है और उसने कम सहयोगियों वाला एक अल्टरनेटिव विकल्प पेश किया है। पिछले हफ्ते पोलैंड और ग्रीक ने भी यूरोपीय आयोग को एक पत्र प्रस्तुत कर यूरोप व्यापी एयर डिफेंस सिस्टम के निर्माण का आग्रह किया था। दरअसल पोलैंड के लिए एयर डिफेंस और जरूरी है क्योंकि वो यूक्रेन की सीमा पर है और उसने अपने हवाई क्षेत्र में रूसी मिसाइलों को प्रवेश करते हुए भी देखा है। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने यह भी कहा कि हम युद्ध की तैयारी इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि युद्ध होने वाला है, बल्कि इसलिए कर रहे हैं कि युद्ध ना हो। नेटो देश सुरक्षा के लिहाज से एयर डिफेंस को मजबूत करने के प्रयास में लगे हैं, लेकिन यूक्रेन को इसकी तत्काल जरूरत है क्योंकि वो रूस के साथ युद्ध लड़ रहा है और रूस के मुकाबले यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम काफी कमजोर है।